हाँ चेंज भी कर दिया मैंने। कहाँ गया यार ये? अल्लाह अकबर, जोर जोर भाई। जोर कहाँ यार? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खुश और खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैर से। मैं आपको उस ज़ैन ब्लॉग प्रोग्राम वो क्या राज़ है, मैं आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार, आपका मोहब्बत का, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखे हमारे साथ। सो दोस्तों, इस वक्त हम मोस्ट वांटेड लोकेशन पे आ चुके हैं। ये पीछे बहुत बड़ा जंगल है, इस जंगल में आज हमने रात गुजारना है। सो मैं और ज़ोर भाई यहाँ पे आ गए हैं, बाकायदा हमने कैंपिंग करना है। और ये हमें चैलेंज मिली है कि भाई आप बड़ा गोस्ट हंटर बने फिरते हो, आपने यहाँ पर टाइम स्पेंड करें। सो यार अभी हम जाते हैं, आपको लोकेशन भी दिखाते हैं। ये मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन है, ये हम कर चुके हैं पहले, बहुत ही हॉरर है। आज मैं और ज़ोर भाई यहाँ पे बाकायदा कैंप करेंगे सुबह तक। ये चलो ज़ोर भाई लाइट ऑन कर दे आप अपना। इस लोकेशन के अंदर हमने टाइम स्पेंड करना है। पता नहीं लोकेशन क्या हो गया एकदम से। अक्सर इस तरह होता है इन जंगलात में जानवरों का ज़्यादा आवाज़ है। क्या हुआ है यहाँ पे? क्या हुआ है? दर्दों के बीच से कैसा है ये सारा ये देख, यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नीचे की तरफ गए हुए सारा सफाई हुआ है। ऐसा लगता है कोई बारी चीज़ इनके ऊपर गिरा हो। हाँ, ये देखेंगे कि हवा का नहीं हो सकता, दरख्त ये नहीं गिरा है। दरख्तों को चेक करो जरा, सलामत है जितने भी ये बारी चीज़ बिल्कुल यहाँ पर गिरा है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हादसे हुए हैं लोगों के साथ, तो यहाँ पे नाइट गुजारना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज को आज हमने करना है, और हम इस तरह के चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने भी अगर कोई चैलेंज हमें करनी है या चैलेंज देना है किसी भी लोकेशन के हवाले से, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो दोस्तों थोड़ी बहुत आपको नजर आए लेकिन मैंने टॉर्च भी लाया अपने साथ, कुछ सामान है। और यहाँ पे मुझे हैरत इस बात को सर, जिस तरह के दरख्त है किसी भी वक्त गिर सकते हैं, अगर कोई ख़तरनाक कोई तूफान आ जाए, कोई बारिश आ जाए, तो इनके गिरने का चांस कम हो जाता है। हालांकि दरख्तों से आपको नजर होगा कि ये जगह कितनी खतरनाक हुई है, और सारे वो पड़े हुए हैं। स्पाइडर ने अपने जाल बनाए हुए इधर, अभी भी हम रास्ते में जब आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा जाल हमने खुद अपने रास्ते में इस तरह तोड़े हैं, क्योंकि फ्रंट में मैं जा रहा हूँ। देख अभी भी मैं रात पर कोई टच कुछ नहीं टच हुआ। को भी आप देखें सर क्या हालत है इस दरख्त का। तो
दिखा क्यों यहाँ पे यार एक्टिविटी हो यार। कोई गया यार हा? कोई गया हमारे आसपास से। एक्टिविटीज हमारे आसपास में हो रहे हैं और काफी चीजों का नो भी कर रहे हैं। कोई चीज गया ऐसा लगा हाँ? कोई चीज गया जिस तरफ हुआ है किस तरफ उस तरफ आगे आगे यहाँ पर हुआ है आगे 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 हुआ है। मुझे बार बार ऐसा फील हो रहा है कि दरवाजे के ऊपर कुछ है हाँ बार बार ये महसूस हो रहा है मुझे मुझे पता गिरा पता भी गया देखो कुछ है यार मुझे पहले बोला 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 कुछ कुछ बोला ये जाड़िया हिला है कोई चीज अंदर है जैन इसके अंदर लड़ाओ 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 यार ऐसा लग रहा है कोई तोड़ रहा है इनको चीज अंदर इसका हाँ क्या चीज अंदर है लड़ाओ लड़ाओ ओए ओए किसी का हुआ चीज का हुआ क्या जवाब है हमारे आस पास था लगा भी है सब कुछ चीज एक तो इतना घना है यार कोई चीज नजर भी नहीं आता दूर से बिल्कुल ऐसी आवाज ही आ रही है ना इस वक्त मैं रह नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे और दूर रहो जंगल के अंदर लेकिन इतने बुरे हालात हैं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत सारे इस तरह की चीजें जानवर की आवाज किस चीज की आवाज है हाँ यार कुछ समझ में नहीं आता वो ये कैसा आवाज लगा रहे यार कोई चीज है जो इन चीजों के अंदर जा रहा है इतना करीब आ गया दरख्तों के अंदर और झाड़ियों के अंदर जा रहा है कहाँ से आ रही है आवाज यार
ओए चेक कर चेक कर क्या हो दरख्त के ऊपर मुझे लग रहा है कि दरख्त ऊपर ये चीज पूरे दरख्त हिल रहा है और इस जंगल के अंदर वो जैसा जंगल पूरा जाके मैं देखिए देखिए वो देखो तो दरख्त पूरे हिल रहा है यार पूरा दरख्त हिल रहा है पूरे दरख्त हिल रहा है ऐसा लगा कोई वजनी चीज इसके ऊपर बैठा हो यार कोई चीज है क्या ऊपर क्या है पूरा दरख्त लाया यार ये पूरा दरख्त लाया ओ माय गॉड ये पूरे दरख्त लाया हाँ ये पूरा दरख्त लाया यार कोई चीज है दरख्त पर क्या है यार कोई चीज है दरख्त पर ये देखिए सिर्फ ओ माय गॉड यार पूरा दरख्त ले यार हाँ पूरा दरख्त ले बकायदा ओ वाह देखिए देखिए तो यार बिल्कुल समझ में नहीं आया ऐसा लगता है यहाँ पे कोई बाहरी चीज कैंप के अंदर जाए कैंप के अंदर सो दोस्तों अभी हम कैंप के साथ हैं और यकीन करें हम इतने डर चुके हैं इस वक्त हमने अपना लाइट थोड़ा सा ऑफ कर दिए जोर पर कैंप के अंदर है मैं यहाँ पर हूँ हालात बहुत गंभीर है जगह के यकीन करें मैं आपको बयान नहीं कर सकता मुझे बार बार ये फील हो रहा है इन दरख्तों के ऊपर कुछ चीज़ है लेकिन फिर भी अपना यहाँ पे हम वो रखते हैं टॉर्च को यहाँ पे मैं इस चीज़ के ऊपर अपना हैंडी कैम रखूँगा अपने कैंप को दिखाने के लिए हमने यहाँ पे अपना हैंडी कैम लगाया ठीक है ये हमारा कैम सामने है इस वक्त हम अपना कैम के अंदर बैठे हुए नाइट विजन यहाँ पे लगा दिए लेकिन यहाँ की जो हालात है वो बिल्कुल भी इस तरह नहीं है कि यहाँ पे बंदा ठहर सके बहुत गंदे हालात है जगह के चीज आ रहे लेट नहीं लगाना लेट नहीं लगाना ओए किस चीज का आवाज है हाँ आवाज आ रहा है हमारे पास आवाज आ रहा है कोई चीज है कोई चीज है लाइट ओपन कर यार अजीब सा आवाज है यहाँ पे हम रिकॉर्ड भी करें और सुना भी है यार अजीब जानवरों की आवाज है यार भाई जानवर फिर इस दरख्त पे नजर भी नहीं आ रहा और ये सारा दरख्त हिल रहा है ये कैसे हाँ ये कैसा ये हाँ ना ये तो जानवर वो तो ये दरख्त
यार मैं कहता हूँ अपना कैंप उस साइड पे ले जाए तो बेहतर है, वहाँ पे कोने में।